हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिकेरोज ऐप से हम चेंज मैच ओवर कैसे करें। यहाँ पे मेरी एक लाइव मैच चल रही है और मैं क्रिकेरोज ऐप से स्कोरिंग कर रहा हूँ। अभी है क्रिकेरोज ऐप की मेन स्कोरिंग स्क्रीन जो आपको दिख रही है। वो ग्राउंड पर जो भी लाइव एक्टिविटी हो रही है उस हिसाब से हम यहाँ पर मैच का बॉल टू बॉल स्कोरिंग करेंगे। अभी समझ लीजिए, तीन ओवर की हमारी मैच है और फर्स्ट ओवर चली गई है, दूसरी ओवर हम खेल रहे हैं। तो ये पहला डॉट बॉल था, दूसरे बॉल पे एक रन गया, तीसरे बॉल पे समझ लीजिए दो बॉल गए। समझ लीजिए कि हमारी अभी तीन ओवर की मैच चल रही है और हमें ओवर्स बढ़ानी है या कम करनी है, तो उसके लिए हमें सेटिंग आइकन जो टॉप राइट कॉर्नर में है उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा चेंज मैच ओवर, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको एक पॉपअप दिखेगा, उसमें आप जितनी ओवर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अभी हमारे तीन ओवर है तो हमें पांच ओवर की मैच करनी है, तो हम यहाँ पे फाइव सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये ऑप्शन आपको सिर्फ फर्स्ट इनिंग में ही आएगा, मतलब कि दूसरी इनिंग में आप ओवर्स बदल नहीं सकते। तो इस तरह हम ओवर देख सकते हैं कि पांच ओवर हो गई है। एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट इनिंग में तीन ओवर तक स्कोरिंग कर दी है और बाद में ओवर चेंज करके दो ओवर नहीं कर सकते हो आप। अगर आपको अपनी टूर्नामेंट या मैच स्कोरिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8141 6555 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।